हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और हम तीन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था क्या, दूसरा क्या इसके फीचर्स थे, और तीसरा बॉन्ड को स्क्रैप करने के पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या रीजन दिए थे इसको स्क्रैप करने के पहले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। सबसे पहली बात आज हम समझते हैं कि ये आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स था क्या। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए होते हैं। वैसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। नॉर्मली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2018 के पहले फंड करने का जो तरीका हुआ करता था वो मेजरली कैश में हुआ करता था। तो क्योंकि जो फंड करने का तरीका था वो कैश में था, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी था वो मिसिंग था। बहुत लोगों का ये एलिगेशन था कि इसे ब्लैक मनी को प्रमोट किया जा रहा है या इसे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी थे, यानी कि जो बीजेपी जो आज भी सत्ता में है, वो एक आइडिया के साथ आते हैं और ये क्लेम किया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, और इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब पहले का सिस्टम ये था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 से ऊपर अगर कैश देता है तो उस डोनर का नाम रिवील करना होता था। लेकिन जब से ये बॉन्ड आया तब से जो डोनर है उसका नाम रिवील करने का सिस्टम ही खत्म हो गया। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आप मानिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी ए को आप 100 करोड़ रुपया फंड दे रहे हैं, लेकिन वो 100 करोड़ रुपया का जो फंडर है या जो डोनर है उसका नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। तो इनफैक्ट ये जो सिस्टम लाया गया था ये पुराने सिस्टम से भी ज्यादा शायद खराब सिस्टम था, इसको हम कह सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑफिशियली दिखाता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2018 में एग्जैक्टली क्या प्रेस नोट में कहा गया था। तो ये है वो प्रेस नोट जिसको कि 2018 में रिलीज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जो भारत का सिटीजन है या ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में ही है। ये बॉन्ड इशू कौन करेगा? तो ये बॉन्ड इशू और इन कैश सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ये परमिशन मिला था, वो भी बहुत लिमिटेड ब्रांचेस को ये परमिशन मिला था। उसके बाद ये बॉन्ड का जो वैल्यू रहेगा वो 1000 के मल्टीपल्स में रहा। कहने का मतलब है कि पहला 1000 रहेगा, फिर 10,000 रहेगा, फिर उसके बाद और भी नंबर बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट उसके बाद का जो नंबर है वो इतना बड़ा है कि शायद कॉमन जनता उसको एक बार में पढ़ भी ना पाए। उसके बाद इस प्रेस नोट में और क्या क्लेम किया गया या और क्या गाइडलाइंस दिए गए कि ये बॉन्ड सिर्फ वही परचेज कर सकता है जिसका कि ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक से हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी ए को 100 करोड़ रुपया अगर मैं डोनेट करना चाहता हूं तो वो जो पैसे कटेंगे वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से ही कटेंगे, और उसके बाद वो बैंक अकाउंट में प्रॉपर KYC होना जरूरी है। और जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या पॉलिटिकल पार्टी को भारत में चलाने का कुछ एक नियम कानून होता है, तो इसमें वो भी था कि सेक्शन 29A के तहत जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड रहेंगे सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम या उनके अगेंस्ट में ही ये सिर्फ बॉन्ड को इशू किया जा सकता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है ना कि इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई, यानी कि कौन फंड कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट फंड कर रहा है, ये जानकारी नहीं रहेगा। तो जब ये जानकारी ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो फिर है ही नहीं। तो जो एग्जैक्ट जो पर्पस था इस बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने का, वो पर्पस ही फिर डिफीट हो जाता है। और जब ये पर्पस ही डिफीट हो जाता है तो कहने की जरूरत नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके जो सत्ता में है, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वही लोग होते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया कि ये बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रैप कर दिया गया है, वैसे ही जो सबसे बड़ा जो नुकसान कह ले वो भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ, क्योंकि 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे उसमें से 57% जो इशू किए गए थे वो बीजेपी के लिए ही इशू किए गए थे। और इस फैसले को 5 जजेस का बेंच सुनाते, जिसमें कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर रहते हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक है, जो कि बहुत हद तक अगर आप इस आर्टिकल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जहां पे जो सरकार है वो ये तो चाहते हैं कि जो कॉमन सिविलियंस रहे उनके ऊपर
या उनके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाए या 100% का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अचीव किया जाए। लेकिन जब कोई डोनर जब उनके उनको फंड करता है तो उसके बारे में वो लोग नाम रिवील करने से बचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब नियम बनाया जाता है तो कैसे उसमें हेर फेर या कैसे उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है। अब क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको कि चलाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, अगर वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं इस देश को बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कहा कि कौन कौन डोनर हैं या किस किस लोगों ने इस बॉन्ड को परचेस किया है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएं, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक को जो बॉन्ड जिन्होंने खरीदा था उनके नाम रिवील करने के लिए बोले हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी बोले हैं कि जो डिटेल्स है उसको आप 13 मार्च यानी 2024 तक आप अपने वेबसाइट पे आप उसको अपलोड करें, और जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक उसको इन कैश नहीं किया गया है उसको जो परचेजर था उसके अकाउंट में उसको दोबारा से आप रिफंड करें, यानी कि उसके अकाउंट में दोबारा से उस पैसे को भेजें। तो कहीं ना कहीं एक आम जनता को ये मालूम होना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कहां से आ रहा है, क्योंकि फिलहाल जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है या तो एक एनडीए कोलिशन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो लोग सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। 57% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा वो उन्हीं को आया, जिसको कि अगर आप इन कैश में अगर आप समझना चाहें तो कुछ ये 5,271 करोड़ होता है, और जो दूसरा सबसे बड़ा जो इस बॉन्ड का बेनिफिशियरी है वो कांग्रेस पार्टी है, और दोनों में डिफरेंस आपके सामने है, आप देख के समझ सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को स्ट्रिक्ट बनाने के पीछे का वजह होता है कि उस चीज के बारे में जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज्यादा निकल के आए। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट का यूज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये है कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो डोनर है उसका नाम ही रिवील नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको भी एड्रेस किया कि कहीं ना कहीं जो डोनर का जो प्राइवेसी है उसको भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम उसके ऊपर एब्सोल्यूट ब्लैंकेट बैन लगा दें और किसी को यही ना मालूम पड़े कि आखिर में आपको इतना बड़ा जो फंड है वो डोनेट क्यों किया या कौन किया। सपोज दैट अगर जो डोनर है उसका प्राइवेसी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, सपोज दैट अगर मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को मैंने कुछ फंड किया तो ये हो सकता है कि उसके जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो मुझे टारगेट करें, लेकिन अगेन इसका ये कहीं से मतलब नहीं होता है कि जो डोनर है उसको आप एकदम एब्सोल्यूट उसको एग्जेम्प्ट कर दो और ये बोलो कि हमें जानना ही नहीं है या तो हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि एग्जैक्टली हमें इतना पैसा कौन दिया है। अब क्योंकि नॉर्मल एक आदमी बहुत लिमिटेड पैसे का डोनेशन करेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन अगर वहीं जब कोई कंपनी जब डोनेट करेगा तो वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को, और वो अगर कंपनी अगर उतना बड़ा अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो कहीं ना कहीं वो उसका बेनिफिट भी लेगा, क्योंकि उनको अपना बिजनेस रन करना है, उनको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उनका जो अटैचमेंट रहेगा वो बहुत ही ज्यादा आपका ट्रांजैक्शनल अटैचमेंट रहेगा। एग्जैक्टली इसी चीज को एड्रेस करते हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप कर देना चाहिए तो उस वक्त बहुत सारे और भी आर्टिकल 14 का बात हुआ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का बात हुआ, कंपनीज एक्ट का बात हुआ, कहने का मतलब है कि और भी तकरीबन सभी जो टेक्निकल पहलू थे उन सभी के ऊपर फोकस किया गया और काफी एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन या एक डिटेल्ड तरीके से एग्जामिन करने के बाद ये फैसला लिया गया कि भारत को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो भारत में है अगर उनको फंड चाहिए तो जो उनका जो डोनर है उसका नाम आपको रिवील करना बनता है, आप कहीं से भी ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।